हाय गाइस, क्या आप भी ये इस्तेमाल करते हैं टिकटॉक? और टिकटॉक में होना है फेमस, और फेमस होने के लिए चाहिए आपको बहुत ज्यादा फॉलोवर्स, वीडियो के ऊपर व्यू और साथ में चाहिए लाइक। तो वैसे में वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। यहाँ पे गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ टिकटॉक के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है, और इस अपडेट में भैया खास करके उन लोगों को फायदा होने वाला है जिनका की फॉलोवर्स भैया 10K से कम है, चाहे उनकी वीडियो वायरल नहीं हो रही है, उनको लाइक नहीं मिल रहा है, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक्निकल ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गई सबसे पहले मैं आपको एक दो तीन बात बताऊंगा जो कि जो लोग न्यू आते हैं टिकटॉक में वो गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, और इन छोटी छोटी मतलब की मिस्टेक की वजह से उनकी वीडियो वायरल नहीं होती है, लाइक नहीं मिलता है, फॉलोवर्स नहीं मिलता है। तो आपको भैया यहाँ पे आपको पता ही होगा टिकटॉक को बैन करने के लिए इंडिया में बहुत ज्यादा मुकदमा चला, बहुत पता नहीं और क्या क्या हुआ। इसके वजह से भैया यहाँ पे टिकटॉक में बहुत ज्यादा सिक्वेयर हो चुका है अभी टिकटॉक। और यहाँ पे अगर आप भैया वीडियो बनाते हैं 18+ कंटेंट, चाहे कोई ऐसी फोनी वीडियो बनाते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा डेंजरस सीन शूट करना होता है, ऐसी वीडियो भैया टिकटॉक में कभी वायरल नहीं होगी, और ना ही आपको भैया टिकटॉक सपोर्ट करेगा, और ना ही आपकी वीडियो किसी व्यूवर्स के पास पहुंचाएगा। तो आपको यहाँ पे कैसे एक दो तीन बात की हमेशा ध्यान रखना है कि आपको भैया 18+ कॉन्टेंट नहीं बनाना है, और ना ही कोई ऐसी डेंजर सीन शूट करनी है जो कि पॉसिबल नहीं हो। और इसके साथ ही गाइस चलिए देखते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कि हमें जो टिकटॉक से अपडेट मिल रहा है इससे आप किस तरह फायदा ले सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो मैं पहला अपडेट टिकटॉक की तरफ से मिल रहा है ये बेसिकली उन यूजर के लिए है जिनका कि 10K से फॉलोवर्स कम है। और यहाँ पे अगर टिकटॉक में आप कोई वीडियो शूट करते हैं तो आपके यहाँ पे भैया फिल्टर के लिए ऑप्शन मिलता है, और फिल्टर में आप अपनी वीडियो में बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टाइमिंग का, स्टिकर वगैरह, और पता नहीं क्या क्या टेक्स्ट वगैरह का भी आप लेयर डाल सकते हैं आप अपनी वीडियो में। और आप प्रॉपर तरीके से एक वीडियो एडिटिंग करके अगर पोस्ट करते हैं टिकटॉक में तो यहां से आपको बहुत ज्यादा व्यूज भी मिलने वाला है। तो ये भी अपडेट है बेसिकली उनके लिए है जिनका कि 10K से फॉलोवर्स कम है। और इसके साथ ही एक जरूरी बात बता दूं, अगर आप लड़की हैं और आप ये सोचती हैं कि टिकटॉक में मैं कोई हॉट वीडियो पोस्ट करके फेमस हो जाऊंगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और आपकी वीडियो कभी वायरल नहीं होगी अगर आप ज़्यादा ही हॉट मतलब कि ज़्यादा ही सेक्सी लुक में कोई वीडियो शूट करती हो तो। अगर आप यहाँ पे टिकटॉक में गाइस अपनी खुद की भाई अपना खुद का कोई सॉन्ग गा के वीडियो शूट करते हैं तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिलने वाला है, और आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होगी। तो आप कोशिश करें कि मतलब कि आप अपनी जो भी वीडियो शूट करें वहाँ पे आपका वॉइस इस्तेमाल हो तो काफ़ी अच्छा होगा, जैसे कि कोई स्टोरी वगैरह कोई कहानी वगैरह बना के अगर वीडियो शूट करें तो आपकी वीडियो वायरल होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। और इसके साथ ही गाइस यहाँ पे टिकटॉक हमें एक अपडेट दिया है जिसमें कि हम अपने टिकटॉक वीडियो का एक एनालाइट देख सकते हैं, जहाँ से कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कौन सी वीडियो कितने टाइम में कितना वायरल हो रही है। तो आपको बेसिकली इस अपडेट को मतलब कि पाने के लिए आपको अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और ऊपर 3 डॉट वाले ऑप्शन के ऊपर टच कर देना है। और जैसे ही गाइस आप 3 डॉट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपको एक मैनेज माई अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप मैनेज माई अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर टच करते हैं तो इसका गाइस दूसरा पेज ओपन होगा, और दूसरा पेज ओपन होने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट बैक टू पर्सनल अकाउंट। तो आपको नीचे जो ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करके और सबमिट बैक के ऊपर आपको टच कर देना है। और जैसे ही सबमिट बैक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, और आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरी देखने के लिए मिल जाएगी, तो आपको कोई भी एक कैटेगरी इस्तेमाल कर लेना है, जैसे कि मैं पर्सनल ब्लॉग यहाँ से यूज करने वाला हूँ तो मैं पर्सनल ब्लॉग के ऊपर क्लिक करूँगा। आप जिस तरह की वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर क्लिक करके डन कर दीजिएगा, और जैसे ही आप डन कीजिएगा तो यहाँ पे 1 से 2 सेकेंड वेट करना होगा, और उसके बाद इसका दूसरा पेज ओपन होगा और वहाँ पे खुल के आ जाएगा आपकी जो भी वीडियो का एनालिटिक्स है। और आप यहाँ से ये देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको एक एनालिटिक्स का ऑप्शन मिल चुका है, तो आप एनालिटिक्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके टिकटॉक अकाउंट में भी जितनी भी वीडियो है, जितने भी अपने प्रोफाइल के ऊपर वीडियो पोस्ट किए हैं, उन सारी वीडियो का एक एनालिटिक्स देखने के लिए मिल जाएगा जो कि यूट्यूब में हमें देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे गाइस टिकटॉक भी बहुत ज़्यादा सिक्योर हो चुका है, और यहाँ पे अगर आप कोई भैया इसके पॉलिसी के खिलाफ वीडियो बनाते हैं तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी मिल जाता है, और कॉपीराइट स्ट्राइक के साथ साथ भैया कॉपीराइट क्लीन और पता नहीं गाइडलाइंस जो भी है मिल जाता है। और इसके पॉलिसी के खिलाफ कोई वीडियो बनाते हैं तो आपका जो भी प्रोफाइल है, जो भी टिकटॉक में अकाउंट है, उसको बैन भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप सावधान रहिए
और अच्छी सी अच्छी वीडियो बना के यहाँ पे पोस्ट कीजिए, तभी आपकी वीडियो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है पसंद तो इसको कर दीजिए लाइक, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।